हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मालिक को किराया नहीं दे पाए तो मालिक ने ऑटो ही रख लिया। ये कहानी है नजरे आलम की, जो कि बिहार के रहने वाले हैं और पानीपत में ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। 5 दिन से कैराना के एक स्कूल में बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। नजरे आलम, पूरी कहानी बताइए, क्या हुआ? सर यही हुआ, जब मतलब हम बोले कि मकान मालिक से, सर कोई बात नहीं, जब तक लॉकडाउन है तब तक हमें राशन पानी दीजिए, रहने दीजिए, खुल जाएगा तो फिर अपना हम या तो रिक्शा बेच के आपका पैसा चुका देंगे, या लॉकडाउन में तो कोई रिक्शा भी नहीं खरीदेगा, अच्छा अपना मजदूरी रिक्शे से करके आपका पैसा चुका देंगे। तो बोले नहीं, आप मेरा पैसा अभी चाहिए, नहीं तो राशन पानी नहीं देंगे। तो हम लोग दो रोज भूखे भी सोए हैं हम लोग कमरे में, किसी से बोलने भी नहीं गए। बोलने गए तो कोई बोल रहा है कि हम क्या करें, भूखे दो रोज सोए हैं कमरे में। फिर जब बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा बच्चा का भी तबियत सर इन्फेक्शन निकल गया था, इसका पर्ची भी है मेरे पास, दवा भी है साथ में, लेकिन दवा भी खत्म हो चुका है। तो हम लोग सोचे कि अपने ख्याल कम रखे, लेकिन ज्यादा बच्चे का ख्याल दिया कि जब हम घर चले जाएंगे तो हमारा बच्चा सुरक्षित हो जाएगा, बच्चा हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए सर इसी मुसीबत में, हम घर जाने की मुसीबत में हम चले हैं और भूख के मारे चले हैं। बाकी यही कहानी है सर, बस यही निवेदन है कि जब हमें घर पहुँच जाए, हम लोग बहुत बुरी तरह से सर फंसे हैं। पानीपत में आप कब से हैं, कब से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? सर पानीपत में लॉकडाउन होने से 20 रोज पहले ही हम आए हैं, और 20 रोज पहले आए हैं, और दूसरा मतलब जिस दिन 20 रोज पहले आए थे उस दिन एक रोज तो नहीं, दूसरे रोज हम जाके मतलब बात किए थे, तो हम एक रिक्शा लिए चलाने के लिए, मतलब अपना पुराना रिक्शा लिए, खरीदे, अपने नाम से कराए रजिस्ट्रेशन, वो चलाए, चलाते चलाते गए, उसके बाद 20 रोज जब पूरा हो गया उसके बाद लॉकडाउन लग गया। जो पैसा हम कमाए थे, जो बचा था हमारे पास, वो पैसा हम लोग खा रहे थे, वो जो पैसा खत्म हो गया, तो फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं सूझा सर, तो हम लोग चल दिए घर के लिए, रवाना हो गए घर के लिए। आए तो यहाँ गांव वाले ने बोले यूपी में कि यमुना पार किए थे, यूपी में बोले कि जे यहाँ किराना स्कूल में जाओ, वहां से हेल्प मिल रहा है, बस छोड़ रहा है आपको, योगी सरकार ने, बाबा ने छोड़ रहे हैं, बिहारियों को भी छोड़ रहे हैं और यूपी वाले को भी छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद उल्टा सिस्टम हो गया, खाली यूपी वाले जा रहे हैं सर, हम लोग बिहारी वाले को यहाँ रोका जा रहा है, बोल रहे हैं कि जहाँ हमारा तुम्हारा बिहार का सरकार अनुमति नहीं दे रहा है, तुम यहीं पे रहोगे, जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक। सर आप बताइए, हमारे साथ तो लेडीज है, हम तो अकेले हैं, ना बच्चा भी है, मानते हैं नहाने पीने में, बाकी तो कोई चीज का दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे को हमारा ज्यादा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे तबियत भी खराब हो रहा है, तो गेट से बाहर नहीं जाने देने का ऑर्डर है, अगर गेट से बाहर गए तो FIR दर्ज हो जाएगा। यही कहानी है सर, यही मजबूरी है, बस यही निवेदन है सरकार से, हमारे नीतीश कुमार जी से, कि हमें जल्द से जल्द घर बुलवाया जाए। बिहार में परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके, और बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? मोतिहारी जिला के हैं जी बाबूजी, हम घर पड़ेगा परसौना तपसी, जिला हमारा मोतिहारी पड़ेगा। हमारे घर में मम्मी पापा सब हैं, भाई बहन सब है, भौजाई सब है, लेकिन हम लोग ही खाली फंसे हुए हैं, हम लोग तीनों प्राणी, बस हम और हमारे बीवी और बच्चा। कितनी तकलीफ हो रही है आपको, कितनी दिक्कत हो रही है? तकलीफ दिक्कत ये होता है, जमर लेके कस के मिजाज खराब होता टे, बच्चा कस के रो तो भाई जनवा, और नदी हम न पार करके छाती भर पानी में आई बनी सन सर, हमनी के जल्दी से जल्दी घर कर दी, पहुंचा दी। साल भर के बच्चा रात भर रोता, सोत नहीं, सोत नहीं जी बाबू जी। नजरे आलम अपने परिवार के साथ इसी कमरे के अंदर बंद है, इस स्कूल के अंदर, इस उम्मीद में कि सरकार किसी तरीके से इनको इनके घर बिहार पहुंचा दे, लेकिन अभी तक वो होता नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार नजरे आलम कब तक अपने घर पहुंचेंगे, ये देखना होगा। कैमरामैन दीपक चौधरी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज कैराना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।